हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली वो दिन आ गया। जब तू रस्ते में भीख मांगेगा। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ गया कि जिस पर लोग काफी बेसब्री से अपनी नजरें टिकाए हुए थे। मेरा कहना है 2020 का बजट, जिस पे देश का हर एक नागरिक सोच रहा था कि इस बार के बजट आखिर क्या होगा। सुरक्षा, शिक्षा, टैक्स, तमाम चीजें ऐसे होते हैं जो बजट पे निकल कर आपके सामने आते, तो आपको पता चलता है कि देश इस साल अपने लोगों पर कितना खर्च करना चाह रहे। तो मैं आपको एक छोटा रिचार्ज बड़े धमाके की तरह थोड़ा सा समय लेते हुए आपको बहुत बड़ी जानकारियां दूंगा। तो अंत तक वीडियो देखते रहिए। देखिए दोस्तों, बजट को हर लोग आंखें ताड़कर, मुंह खोलकर, बिल्कुल अधमरे से ध्यान लगाकर इसलिए देखते हैं क्योंकि बजट का सबसे सीधा प्रभाव हमारे पड़ता है आय पर, हमारी इनकम पर। तो दोस्तों, सरकार ने सबसे पहले गुड न्यूज ये दी है आपको कि अगर आपकी वार्षिक आय 5 लाख तक है तो आपको 0% टैक्स पे रखा गया है। हाँ, अगर आपकी आय 5 से 7.5 लाख तक होगी तो आपको अपनी आय का 10% यानी 10% हिस्सा सरकार को यानी टैक्स के माफ को चुकाना पड़ेगा। अगर आपकी आय 7.5 से लेकर 10 लाख तक होगी तो आपको सरकार को आय का 15% यानी 15% आपको सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। और अगर आपकी आय 10 लाख से 12.5 लाख तक होगी तो आपको अपनी आय का 20% सरकार को देना पड़ेगा। और अगर आपकी आय, इसका मतलब कोई फिक्स पता नहीं, अगर आपकी आय सालाना आय शायद 15 से नीचे कहीं नहीं, अगर इतने है सालाना, तो आपको शायद 30% का टैक्स आपको सरकार को चुकाना पड़ता। तो ये थी आपकी वार्षिक आय पर सरकार द्वारा लगाया गया टैक्स, जो कि काफी अहम मुद्दा है। इससे पहले किसी में 5% बढ़ोतरी थी, किसी में 10% बढ़ोतरी थी, किसी में कुछ परसेंट बढ़ोतरी थी। तो सरकार ने जो 0. जिनकी 5 लाख तक की 5 लाख सालाना आय था उनको उसमें टैक्स लिया था, पर सरकार ने इस बार उन्हें टैक्स फ्री कर दिया और बहुत में उन्हें टैक्स की जो दर है उसको काफी कम की है। दोस्तों, आप जो बात आती है वो नेक्स्ट आती है कॉमर्शियल गाड़ी। कॉमर्शियल व्हीकल्स पे 40% टैक्स करने का ऐलान किया है, मानी 40% कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है। उसके बाद आती है इलेक्ट्रॉनिक्स पर, तो इलेक्ट्रॉनिक्स पर सरकार ने 30% की बढ़ोतरी, सॉरी 20% की बढ़ोतरी की गई है। उसके बाद आपका नेक्स्ट फर्नीचर में सरकार ने 25% की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया गया है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट बातें आती है वो बातें आती है आपने शिक्षा पर 99,300 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। और नेक्स्ट आता है आपका कौशल विकास, तो कौशल विकास में भी 3,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया। अब सबसे लास्ट है किसान। किसान का जो मुद्दा है वो सबसे अहम है। सरकार ने किसानों की आय को सबसे पहले दिखा कि सरकार ने सोचा है कि किसानों की आय को दुगना किया जाए, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनको सब्सिडी, उनको जित तरह तरह के सब चीजें की फैसिलिटी दी जाए। तो सरकार ने भी किसान पर इस साल 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। तो ये है आपका इस 2020 का बजट। तो आपको ये जो बजट है, ये बजट कैसा लगा, आपकी जेब पर कितना भारी और कितना हल्का है, कमेंट पर हल्के या भारी रूप में अपने विचार व्यक्त करके हमें बताइए, लोगों को बताइए कि आपको इस साल का बजट कैसा लगा। और अगर चैनल पे आई गई है तो एक मुक्का मार के सब्सक्राइब भी कर दो ताकि मेरा भी बजट बढ़ जाए, और लाइक भी कर दें। और दूसरों को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। जय हो, जय हिंद।